हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन की सेल के बारे में, जो 25 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं। दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, इस वीडियो में हम खाली फ्लिपकार्ट की सेल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम अमेज़ोन की सेल के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर इसलिए अगर आप अमेज़ोन की सेल के बारे में पता करना चाहते हैं क्या उस पर सस्ता मिलने वाला है, तो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों हम बिना टाइम के बाद चलते हैं फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट दोस्तों अब 25 तारीख से बिग बिग सेविंग डे की सेल चलने वाली है, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर हैं, फ़ोन पे हैं, कुछ गैजेट्स पे हैं, और बाकी आपके जो निजी यूज़ करते हो सामान, उन पे सेल चलने वाली है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ गैजेट्स की और कुछ फ़ोन्स के बारे में जो सबसे सस्ते मिलने वाले हैं। दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको बताते हैं कौन कौन से फ़ोन और कौन से गैजेट्स आपको सस्ते मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ोन्स के बारे में जो हमारे सेल पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हम रियलमी के फ़ोनों के बारे में। जो दोस्तों मैंने रियलमी के जो दो या तीन फ़ोन देखे हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो फ़ोन है मैं बताता हूँ रियलमी के, वो बताता हूँ आपको रियलमी नार्जो 13 और रियलमी नार्जो 13 प्रो के बारे में। दोस्तों जो सेल पर काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जो आपको रियलमी नार्जो 13 प्रो पड़ने वाला आपको 15,499 रुपये का, यानी कि लगभग पूरे का पूरा 15,500 का फ़ोन आपको पड़ने वाला। अगर आप ICICI का बैंक का अगर कार्ड लगाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ छूट और मिल जाएगी। तो मतलब आप जब भी सेल करोगे तो ICICI का बैंक का कार्ड लेकर जरूर बैठ जाएं, क्योंकि वहाँ पे अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे हैं इस कार्ड से। तो दोस्तों जो हमारा ये फ़ोन है रियलमी नार्जो 13 प्रो, तो आपको यहाँ पे 15,500 का फ़ोन पड़ जाएगा। तो दोस्तों जो नार्जो 13 है ये आपको पड़ जाएगा 12,500 रुपये का। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन अच्छे हैं और दोनों ही फ़ोन अच्छे ऑफर में पड़ रहे हैं। दोस्तों जो हम अगले ब्रांड की बात कर रहे हैं वो है पोको। जी हाँ दोस्तों, जो पोको का कल या परसों फ़ोन लॉन्च हुआ है F3 GT। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों की 20,000 से ऊपर लेने की इच्छा, जो अच्छा बेस्ट फ़ोन लेने की, बैटरी पिकअप, गेमिंग के बारे में, डिस्प्ले के बारे में, प्रोसेसर के मामले में, कैमरे के मामले में फ़ोन लेना चाहते हैं, वो ये फ़ोन ले सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट फ़ोन है इस टाइम पोको का F3 GT, जो 20,000 से ऊपर की रेंज में है, जो लगभग 25,000 से 27,000 के बीच में आपको मिलने वाला है, और इसके डिस्काउंट अलग मिलने वाले हैं आपको ये फ़ोन में। तो जो अगला फ़ोन है मैं आपको बात करने वाला हूँ वह है सैमसंग F62 के बारे में। ये फ़ोन लगभग आपको 18,000 रुपये का पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके जो डिस्काउंट में वह है 17,999 रुपये में, और जो आप बैंक का, जो ICICI का बैंक का जो आप कार्ड लगाओगे उस पर अलग से डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो मतलब अब देख लो, आप हर चीज़ में ICICI का बैंक का कार्ड लगाना जरूरी है, क्योंकि उस पर अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो आप जो ये सैमसंग का F62 बहुत बेस्ट फ़ोन है 15,000 से ऊपर की रेंज में, जो मतलब 17-18,000 रुपये खर्च करके अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं गेमिंग के, डिस्प्ले के बारे में, कैमरे के मामले में, आप इस फ़ोन को ले सकते हो। बेस्ट फ़ोन है प्रोसेसर के मामले में, सबसे अच्छा फ़ोन लगता है मुझे सैमसंग का इतनी वाली रेंज में। तो दोस्तों जो हम अगले फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं वो फ़ोन है मोटोरोला कंपनी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हमने सही सुना, वह है मोटोरोला कंपनी की तरफ से। जो दोस्तों आपको फ़ोन मिलने वाला है मोटोरोला G16, जो आपको लगभग 18,000 से 19,000 के रेंज में पड़ता है, लेकिन इस ऑफर में वो आपको 17,000 तक का मिलने वाला है, और ICICI बैंक के ऑफ़र अलग हैं। लेकिन दोस्तों मैं मोटोरोला G16 और एक और मोटोरोला फ़ोन का, जो कि मुझे लगता है G16 उसकी तरह बिल्कुल सेम है, जो दोस्तों फ़ोन है वो है G40। जी हाँ दोस्तों, समझ रहा है G40 Fusion, जो दोस्तों मोटोरोला कंपनी का एक और फ़ोन है, वो भी वो आपको ऑफ़र में लगभग 13,000 रुपये का पड़ जाएगा, और ICICI बैंक का अलग ऑफ़र है। दोस्तों जो मैंने आपको ये फ़ोन बताए हैं ये बेस्ट फ़ोन है इस सेल के, बाकी आप अपनी सेल के बारे में देख लेना, आपको अच्छे फ़ोन और भी हैं फ़ोन जो 10,000 से नीचे के हैं, लेकिन मैंने आपको रिकमेंडेड नहीं किए हैं, क्योंकि वो फ़ोन ज़्यादा इतने बेस्ट नहीं है, ना ही कैमरे में, ना ही डिस्प्ले में, ना ही गेमिंग में, क्योंकि आजकल सब गेमिंग के लिए ही फ़ोन मांगते हैं, डिस्प्ले चाहते हैं, बैटरी पिकअप चाहते हैं, और भी अच्छे से फ़ोन चाहते हैं। तो लेकिन वो इतने रिकमेंड नहीं कर पाया मैं। अगर आपको 10,000 रुपये से नीचे का सेल चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। दोस्तों बाकी रही गैजेट्स के बारे में, तो कुछ वॉचेस हैं, कुछ बैंड्स हैं जो बहुत अच्छे ऑफ़र मिल रहे हैं उनको ऊपर, जो काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं,
अपने बेस प्राइस से। दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं फेसबुक पे जा, उस पर फ्लिपकार्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, कुछ एयरफोन्स हैं जो बोट की हैं, आपको बहुत अच्छे कम दामों में मिल रही हैं, कुछ डिस्काउंट है उन पर, किसी पर 10%, किसी 20, किसी पर 30, किसी पर 50% तक छूट चल रही है। और भी कई हैं जो पोट्रॉन के एयरफोन्स हैं उन पर छूट चल रही है, और कुछ बोट के हैं गैजेट्स इन पर छूट चल रही है, और बाकी आप जो घरेलू सामान यूज़ करते हैं किचन के विचन का, आप उस पर छूट काफ़ी चल रही है। लेकिन अगर आपको और भी कुछ छूट के बारे में चाहिए या कुछ ऑफर्स चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप ICICI बैंक का कार्ड यूज़ करते हो तो आपको डिस्काउंट लगभग 1500 के लगभग आपको मिलने ही मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बता देना, और दोस्तों अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर कर दो, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।